फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑडिटी चैनल प्रोफेसर के एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीपीएस एडमिशन और एफ सीपीएस एडमिशन के बारे में। सीपीएस एडमिशन और एफ सीपीएस की बहुत सी कॉल्स आ रही है हमारे पास कि कैसे क्या एडमिशन प्रोसीजर है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको भी सीपीएस एफ सीपीएस के बारे में उनको नहीं पता था कि डिप्लोमा है कि डिग्री कोर्स है क्या है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बातें कर रहे हैं, सीपीएस के बारे में पहले, उसके बाद एफ सीपीएस के बारे में। और इनमें एडमिशन लेने के पहले या फॉर्म फिल करने के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में भी आज हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा सीपीएस और एफ सीपीएस में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं कि आपको ये देखना है कौन सी ब्रांच आपकी कहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीपीएस और एफ सीपीएस छः स्टेट में, जो छः स्टेट हैं उनमें सारी ब्रांच उनकी रिकॉग्नाइज्ड है। छः स्टेट के बाद आपकी कुछ ब्रांचें रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ ब्रांचें नॉन रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो छः स्टेट्स कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं पूरा डेटा लेके बैठा हूँ। 6 स्टेट आपके जो है वह महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान आपका, ये आपके 6 स्टेट हैं। बाकी आपका जो है यूपी, पंजाब, कर्नाटका, ये हो सकता है आने वाले टाइम में, नहीं कि नेक्स्ट ईयर तक ये है ये भी रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, पर अभी सिर्फ 6 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हैं। वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब इन 6 स्टेट में अगर सीपीएस की बात करते हैं तो सीपीएस में कौन कौन सी ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड है मैं आपको बताना चाहूँ। सीपीएस में जो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच है वो डीजीओ, डीसीएच और डीपीबी, ये 3 ब्रांच आपकी रिकॉग्नाइज्ड हैं। बाकी जो 14 ब्रांच हैं आपकी जो बची हुई वो आपकी सिर्फ इन 6 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड हैं। बात करते हैं सीपीएस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँ। फीस स्ट्रक्चर को इस बार 2 भागों में बांट दिया गया है, एक आपका मेरिट कोटा है, एक आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा है। मेरिट कोटा की जो मैक्सिमम फीस है वो 6 लाख रुपए पर ईयर सारी फीस है, सारी ब्रांच, कोई भी ब्रांच आप लेते हैं। और आपका जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसकी फीस अलग अलग है, उसकी 12 लाख रुपए पर ईयर भी है, 18 लाख रुपए पर ईयर भी है। 18 लाख रुपए पर ईयर सिर्फ आपकी 2 ब्रांच की फीस है। फर्स्ट आपका है डीडीवी यानी डर्मोलॉजी के लिए, जो कि आपका 6 स्टेट में ही मान्य है। और उसके बाद आपकी जो दूसरी ब्रांच है सीपीएस में वो आपका है डीएमआरई यानी रेडियो की जो है ब्रांच, वो आपके जो है 18 लाख फीस है। बाकी सारी सीपीएस की फीस जो है 12 लाख रुपए पर ईयर है। और मेरिट कोटा में अगर आप आते हैं तो 6 लाख रुपए पर ईयर आपकी जो है सारे ब्रांच के सीपीएस की। ये हो गया आपका सीपीएस। अब आते हैं हम एफ सीपीएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सीपीएस आपका 2 ईयर है और एफ सीपीएस आपका 3 ईयर्स है। अब 3 ईयर्स जो फेलोशिप कोर्स आपका 3 ईयर्स एफ सीपीएस है, इसमें आपकी 6 ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑल इंडिया। बाकी आपकी जो 4 रिमेनिंग 4 ब्रांच हैं वो आपका सिर्फ 6 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो 6 ब्रांच जो पहले रिकॉग्नाइज्ड हैं उनके बारे में बात करते हैं। 6 ब्रांच में आपको क्या है, मेडिसिन है, सर्जरी है, प्लस आपका जो है गायनी है, ऑफ्थल है, चाइल्ड हेल्थ, डर्मोलॉजी, ये 6 ब्रांच आपकी रिकॉग्नाइज्ड हैं ऑल इंडिया। बाकी जो बची 4 ब्रांच हैं वो आपकी जैसे आर्थोपेडिक्स है, एनेस्थीसिया है, पैथोलॉजी है, ये आपकी जो है, और आपका जो है ENT है, ये आपकी सिर्फ 6 स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं एफ सीपीएस के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस है वो 14 लाख रुपए भी है और 21 लाख रुपए पर ईयर है। 21 लाख रुपए पर ईयर सिर्फ 2 ब्रांच की फीस है, वो आपकी है मेडिसिन प्लस आपकी एक है डर्मोलॉजी, ये आपके 21 लाख रुपए पर ईयर है इंस्टीट्यूशनल कोटा की। बाकी आपकी सारी 14 लाख रुपए पर ईयर है। अब इसके बाद जो मेरिट कोटा की फीस है एफ सी पी एस में वो सिर्फ 7 लाख रुपए पर ईयर सारी ब्रांच की है। तो ये आपका हो गया सी पी एस और एफ सी पी एस का फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि इसकी जो 2021 की अभी काउंसलिंग चल रही है, जैसा कि सेकंड राउंड अभी कंप्लीट हुआ, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, मे बी हो सकता है 20 जून के बाद जो है नई डेट आ जाए आपकी थर्ड राउंड के लिए या मॉपअप के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए नीट 2021 वाला स्कोर हमें चाहिए। अगर आप क्वालिफाई हैं या क्वालिफाई से कुछ कम है तब भी आप वेट कर सकते हैं 2021 का। और 2022 के सीपीएस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है उसका डेट नहीं आया हुआ है क्योंकि अभी 2021 ही चल रहा है। तो जब ये ख़त्म होगा उसके बाद मे बी हो सकता है 1 से 2 महीने बाद जो है 2022 का आ जाए। ये जो लेट चल रहा है ये आप जान ही रहे हैं, कोविड की वजह से हर सेशन लेट है, पर इस बार गवर्नमेंट जो है उसको सही लाइन पे लाने के लिए 1 महीने 2 महीने ये भी लेट चल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि अगले साल तक सब सही अपने टाइम पे आ जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ सीपीएस एफ सीपीएस की और भी कोई क्वेरी हो सीट मैट्रिक्स को लेके, या कहाँ पर कितनी सीट्स रिमेनिंग है, या डर्मा चाहिए आपको, रेडियो चाहिए आपको, लग रहा है काउंसलिंग से नहीं मिल पा रहा है, हमारी हेल्प से कैसे आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आप तुरंत हमारे काउंसलर कॉल करें और जानकारी लें। थैंक यू।